नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे छूट ना सके। एंड दोस्तों, साथ पे आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकती हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ दोबारा से उसी पेनी स्टॉक के बारे में जो अपने लास्ट 5 सालों में ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। 74% स्टॉक टूट चुका है और 7 रुपये 5 पैसे के आसपास मैं पक्का बाय करूंगा, आप करो ना करो, क्योंकि कुछ टेक्निकल्स होते हैं और जिनको थोड़ी समझ है टेक्निकल्स की, जिनको नहीं है सीखना है तो वीडियोस को अंत तक देखना, क्योंकि ये आपने सुना होगा डबल बॉटम फॉर्मेशन, ठीक है, डबल टॉप फॉर्मेशन, ये ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बनाने वाला है इस प्राइस में। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको यहाँ से 30 से 40% का रिटर्न तो हंस के देके जाएगा, इसके ऊपर भी जा सकता है। जैसे लिखा हुआ है नेक्स्ट टारगेट 30 रुपये के आसपास, जो एक लॉन्ग टर्म गेन होगा, मतलब लॉन्ग टर्म बेट होगी। तो मैं यही बोलूंगा, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप स्टॉक को बाय करो करो, एक बार खुद की डीप स्टडी स्टॉक के बारे में आप प्लीज कर लेना। और पेनी स्टॉक्स है डेफिनेटली, यहाँ पर आपको पता है जस्ट एक न्यूज ड्रिवन यहाँ पर काम होता है, राइट। कुछ हो ना हो, पेनी स्टॉक में जब तक ये स्टॉक ऊपर नहीं जाते, जब तक स्टॉक में कोई बड़ा गेम नहीं होता है, तो मैं आपको यही बोलूंगा। अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं जो मुझे लगता है, वो स्टॉक को तब बाय करने का प्रयास करते हैं जब स्टॉक लगातार आपका ऊपर चल रहा है, जो आपको नहीं करना है। आपको स्टॉक को तब बाय करना है जब वो नीचे गिर रहा हो, और सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में यही है, राइट। बढ़ते हुए स्टॉक को वहां पर बाय नहीं किया जाता, उसमें वहां पर आपको ट्रेडिंग की जाती है। आपको बाय अगर लॉन्ग टर्म बेट खेलना है तो स्टॉक को सस्ते में बाय करो, सस्ते का मतलब जो नीचे गिर रहा हो, और आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। अगर आपको ये नहीं पता कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो एक चीज तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना लॉस स्टॉक में झेल सकता हूँ, घर लेके जा सकता हूँ। अगर ये पता है देन स्टॉक में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग पर्पज से करो, शॉर्ट टर्म करो, पोजिशन करो, जो कर सकते हो वो करो, लेकिन करो पक्का, ठीक है। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ, स्टॉक का नाम आपको दिखलाता हूँ। वैसे आप सभी को स्टॉक का नाम ऑलरेडी पता है, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। तो मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम एफ कंज्यूमर है, फ्यूचर कंज्यूमर इसको बोला जाता है। अब बहुत सारे लोग मुझे नीचे कॉमेंट में ये बोलेंगे कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता, मैं टोटली उनके साथ एग्री हूँ, नहीं जा सकता, ठीक है। मैं सिर्फ आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि इस स्टॉक में आपको 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपने ट्रेडिंग करी है स्टॉक मार्केट में तो ये ट्रेडिंग पर्पस वाला स्टॉक है, ये 5 रुपये का स्टॉप आप लगा लो, 7 रुपये स्टॉक आपको आराम से 10 से 12 रुपये 14 रुपये के टारगेट दिखा देगा, ठीक है। और ये भी मैं बोलूंगा कि ये स्टॉक ऊपर क्यों जाएगा, उसका एक रीजन है, ठीक है। अगर आप बहुत पुरानी हो स्टॉक मार्केट में, आपको टेक्निकल की समझ है, अगर नहीं है तो आपको दिखला देता हूँ। पहली चीज देखो, कोई भी स्टॉक 6 महीने से एक प्राइस में कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों ट्रेड करेगा, समझने का प्रयास करना। 6 महीने पहले जहां स्टॉक ने स्टार्ट किया था, वही स्टॉक अभी खड़ा हुआ है, मतलब वही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अंदर हो रहा है ना, जो सिर्फ प्राइस बता सकता है आपको। 6 महीने का प्राइस समझ रहे हो, 6 महीने का प्राइस है ये, यहाँ पर तो एक एक मिनट का प्राइस होता है, लेकिन 6 महीने का प्राइस हमें ये बोल रहा है कि जहां स्टॉक ने जर्नी स्टार्ट की थी वहीं आके खड़ा हो गया। और ईयरली का देखोगे तो वही बताता है कि नेगेटिव दिया 8% बस, राइट। तो ये कुछ रीजंस है जिस वजह से स्टॉक पर्सनली मेरा तो फेवरेट बन चुका है। मैंने स्टॉक को 8 रुपये में बाई किया, अब आप बोलोगे कि 8 में बाई किया तो इसको आप ऊपर लेके जाना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने से अगर मार्केट चलती तो डेफिनेटली मैं भी बहुत खुश होता, ठीक है, लेकिन नहीं चलती है। जब स्टॉक का टाइम आएगा वो डेफिनेटली ग्रो करेगा, ऊपर जाएगा। और आपको एक बात बोल दूं, अगर जब स्टॉक का टाइम आएगा तो 100K वॉल्यूम में, मतलब 1 लाख वॉल्यूम में ही स्टॉक का प्राइस अपर सर्किट में क्लोज कर देगा, लेकिन अभी 1 मिलियन वॉल्यूम आएगा, स्टॉक का प्राइस वहां से हिलेगा तक नहीं। तो ये सब डिपेंड करता है कि कितना बड़ा पैसा आ रहा है और किस प्रकार से आ रहा है और किस वजह से आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उस फॉर्मेशन के बारे में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, यहाँ स्टॉक में एक अच्छा खासा ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन हो चुका है, होने वाला है, हो चुका है, नहीं होने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट मिड दिसंबर के आसपास का टाइम है। यहाँ पर अगर थोड़ा गौर देखोगे तरीके से, अगर आप रीड करोगे, आई डोंट नो आप लोग कितने लोग टेक्निकल्स में बिलीव करते हो, आई डोंट नो, बट काम करता है टेक्निकल्स, इतना नहीं करता लेकिन करता है। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एरिया था ये स्टॉक ऊपर गया,
यहाँ से सपोर्ट लिया, इसने बोल इसको बना फर्स्ट बॉटम बनाया, ठीक है, उसके बाद ऊपर गया, अब सेकंड देखो यहाँ पर इसने बनाया, ठीक है, सेकंड यहाँ बनाया, अब ये थर्ड बनाने वाला है, और ध्यान रखना गारंटी नहीं है कि इस वक्त थर्ड यहाँ बनाएगा ही बनाएगा, या पता ही है यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर चले जाए, ठीक है, तो अगर आप चाय बाय करना चाहते हो तो यहाँ भी आप बाय कर सकती हो, और अगर साथ में मिलेगा तो डेफिनेटली बाय करना, बस ये छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा 6 रुपये 70 पैसे का, ये 6 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस है शॉर्ट टर्म का, ठीक है, बाकी अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस रहेगा आपका 5 रुपए का, 5 रुपए का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस है, शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस आपका रहेगा 6 रुपए के आसपास का, 6 रुपए 70 पैसे के आसपास का, अब मर्जी आप लोगों की है, आप मुझे खुद बताओ कमेंट करके कि ये सच में जाएगा नहीं जाएगा ऊपर, मेरा तो व्यू कहता है कि जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका व्यू भी मैटर करता है कि आप लोगों का क्या व्यू है स्टॉक के बारे में, मेरा व्यू है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है, 8 रुपए 16 पैसे तो आपको इमीडिएट टारगेट आपको देखने को मिलेंगे स्टॉक के, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर देता है तो स्टॉक में जो जर्नी आपको देखने को मिलेगी वो शायद आपने आज तक कभी नहीं देखी, ठीक है, और बाकी अगर मैं बात करता हूँ कि NSE BSE में कैसा काम कर रहा है मैं आपको दिखला दूँ, वैसे कंपनी के नंबर्स इतने अच्छे नहीं आ रहे तो मैं उसके बारे में बात बिल्कुल करना पसंद नहीं करूंगा, ठीक है, यहाँ देख सकते हो 22,00,006 लोग अभी भी घर लेके गए, 55% डिलीवरी उठाई गई है NSE में, और BSE में आपको दिखला देता हूँ, BSE में 8,00,006 लोग घर लेके गए, 57% की डिलीवरी यहाँ भी उठाई गई है, तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ मनी मैनेजमेंट के साथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करो, डेफिनेटली पैसा ग्रो होगा, ठीक है, अगर ये गलतियां करोगे तो डेफिनेटली नुकसान भी हो सकता है, तो चीजें बताइए, 5 रुपए का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस, 6 रुपए 70 पैसे का शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस प्लीज एक बार अप्लाई कर लेना, और ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, प्लीज बाय सेल मत करना जब तक आपको फुल कॉन्फिडेंट ना हो स्टॉक के बारे में, और अगर आप सीखना चाहते हो तो वी आर स्टॉक्स करके हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, मुझे डायरेक्टली मैसेज कर देना, यहाँ पर हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, प्राइवेट क्लास के लिंक उन्हीं को मिलते हैं जो मेरे को लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं, शेयर करते हैं फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से, देन मुझे रीच आउट करते हैं इंस्टाग्राम ट्विटर पेज के माध्यम से, टैग करते हैं स्टोरी में या स्क्रीनशॉट मैसेज करते हैं, मैं उन्हीं को अपनी प्राइवेट क्लास देना पसंद करता हूँ, तो आप ये काम करोगे तो प्राइवेट क्लास के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।